नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद साबरमती जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का काफिला मंगलवार शाम 8:35 पर रवाना हो गया है। उसे नैनी जेल से वापस साबरमती जेल लाया जा रहा है। इस काफिले में 24 सदस्य पुलिस टीम शामिल है। अतीक को सुरक्षा कारणों से नैनी जेल परिसर में रखा गया था। उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की MP MLA विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने IPC की धारा 364A के तहत दोषी करार दिया था। विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर बरी कर दिया है। अतीक को कोर्ट से वापस नैनी जेल पहुंचाया गया था, लेकिन आदेश न होने की वजह से अब उसे साबरमती जेल भेजा जा रहा है। वहीं उसके भाई अशरफ को बरेली जेल और हनीफ को चित्रकूट जेल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को साबरमती जेल में रखने का आदेश दिया था, इसलिए उसे अब साबरमती जेल ही भेजा जा रहा है। चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।